एक बार एक व्यक्ति ट्रेन से आ रहा था। उसके साथ वाली सीट पर एक वृद्ध औरत बैठी थी जो लगातार रो रही थी। उस व्यक्ति ने बार बार पूछा, मैया क्या हुआ, क्या हुआ मैया? बड़ी मिन्नतों के बाद मैया ने एक लिफाफा उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। उसने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें 4 पेड़े, 200 रुपए और इत्र से सनी एक कपड़े की कातर थी। उसने मैया से पूछा, क्या है मैया ये? मैया बोली, मैं वृंदावन बिहारी जी के मंदिर गई थी। मैंने गुल्लक में 200 रुपए डाले और दर्शन के लिए आगे बिहारी जी के पास चली गई। वहां गोस्वामी जी ने मेरे हाथ में एक पेड़ा रख दिया। मैंने गोस्वामी जी को कहा कि मुझे 2 पेड़े दे दो, पर गोस्वामी जी ने मना कर दिया। मैंने उससे गुस्से में कहा, मैंने 200 रुपए डाले हैं, मुझे पेड़े भी 2 चाहिए, पर गोस्वामी जी नहीं माने। मैंने गुस्से में वो 1 पेड़ा भी उन्हें वापस दे दिया और बिहारी जी को कोसते हुए बाहर आकर बैठ गई। मैं जैसे ही बाहर आई तभी एक बालक मेरे पास आया और बोला, मैया मेरा प्रसाद पकड़ लो, मुझे जूते पहनने हैं। वो मुझे प्रसाद पकड़ा कर खुद जूते पहनने लगा और फिर हाथ धोने चला गया। बहुत देर हो गई फिर भी वो आया नहीं। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही। काफी देर के बाद मैंने उस लिफाफे को खोल कर देखा, उसमें 200 रुपए, 4 पेड़े और एक कागज पर लिखा एक छोटा सा पत्र मिला। मैया अपने लाला से नाराज ना होया करो, ये वही लिफाफा है जो तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर मैया उस क्षण को याद करने लगी जब वो बालक उनके पास आया। क्या वो बालक ही भगवान थे? क्या वो बालक ही वो थे जिनके दर्शन के लिए मां वृंदावन गई थी? पता नहीं, मैया को वह क्षण इसलिए भी याद आता है कि वो उस बालक को पुचकार नहीं कर पाई, उसे प्यार नहीं कर पाई, उसे गले नहीं लगा पाई, उसकी सेवा नहीं कर पाई। कई बार हमें अपनी जिंदगी में अनजाने लोग मिलते हैं और वह हमारी जिंदगी में भगवान रूपी होते हैं। हर इंसान को भगवान के रूप में देखना गलत क्या है, और ऐसा करने से हम बहुत सारे इंसानों की भी सेवा करके वो सेवा में हमें जो मिलता है वह भगवान का फल होता है और वह किसी भी अन्य फल के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। गौर कीजिएगा, शायद आप समझ जाए, क्योंकि आज इंसानियत ही हमारे में नहीं है तो वह पर्दा जो आगे देख ही ना पाए कि इंसान में भी भगवान होते हैं वह कहाँ होगा। उम्मीद करता हूं यह बात आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।